अगर आप भी एक स्टूडेंट है और आप मार्केट में निकले अपने लिए एक टैबलेट ढूंढने में और आप कंफ्यूज है कि हमें क्या क्या देखना चाहिए एक टैबलेट को खरीदते वक्त, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक परफेक्ट बाइंग गाइड और साथ ही में कुछ ऐसे टैबलेट्स के रिकमेंडेशन जो आपकी हेल्प करेंगे आपके असाइनमेंट को कंप्लीट कराने में और आपकी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कराने में भी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं खोज डील। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट इस वीडियो में जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट प्रोमो एस्पिरेंट करता हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गेमिंग भी एक एसेंशियल नीड है हर स्टूडेंट के लिए या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी। तो मैं मानता हूँ कि गेमिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए आपके टैबलेट में, चाहे वो आपका टैबलेट एंड्रॉइड ओएस पे रन कर रहा हो चाहे वो आईपैड ओएस पे रन कर रहा हो। तो इसी के साथ बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है आईपैड ओएस या फिर एंड्रॉइड ओएस। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अभी अपने फोन में कौन सा ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका जवाब एंड्रॉइड ओएस है तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, पर ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रैश प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, नहीं, आपको अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा मैं, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप एक आईओएस यूजर हैं तो मैं नहीं मानता आपसे ज्यादा लकी कोई और भी होगा, क्योंकि iPad OS और iOS में इतनी ज्यादा कंपेटिबिलिटी है कि वो आपस में एक इकोसिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। यही इकोसिस्टम Samsung भी क्रिएट कर रही है अपने फोन्स में और अपने टैबलेट्स में, जो कि मैं मानता हूँ एक एक्सेप्शन है Android OS में भी। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन जानना चाह रहे हैं कि कौन सा OS हम ले, तो मेरी रिकमेंडेशन ये ही रहेगी कि आप iPad OS के साथ ही जाए, iPads के ही साथ जाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। जी हाँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी ज्यादा एसेंशियल पार्ट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते वक्त, चाहे वो आपका फोन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका टैबलेट क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट होना ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। और एप्पल अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा जाना चाहता है इन द इंडस्ट्री। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, नहीं तो मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो आइए जान लेते हैं हमारा सेकंड मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक टैबलेट खरीदने के लिए निकलें, और वो है डिस्प्ले। आप सबसे पहले किसी भी डिवाइस में क्या देखते हैं, उसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच की होनी चाहिए, मिनिमम फुल HD रेजोल्यूशन तो वो सपोर्ट करता ही होना चाहिए। और अगर उसमें एडिशनल फीचर है लाइक वो OLED पैनल या AMOLED पैनल है या रेटिना डिस्प्ले है या फिर उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल है, तो काफी ज्यादा स्मूथली रन करेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज मिनिमम 32 GB तो होनी ही चाहिए इनबिल्ट इन योर टैबलेट। कोई भी टैबलेट ले रहे हो, चाहे वो आप एंड्रॉइड की तरफ जा रहे हो चाहे वो आप आईपैड ओएस की तरफ जा रहे हो, मिनिमम 32 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज तो चाहिए ही आज की डेट में, क्योंकि प्रोडक्टिव एप्स हो चाहे वो गेम हो, सबके साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं आज की डेट में। तो मिनिमम 32 GB इज रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी टैबलेट कंसीडर कर रहे हैं अपने लिए, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि कई टैबलेट्स में एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जिसमें आप SD कार्ड लगा के उसकी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 1 TB। ऐसे भी टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए अब हम जानते हैं इस बाइंग गाइड के 5th पॉइंट के बारे में, जो कि है एक्सेसरी सपोर्ट फॉर योर टैबलेट या फिर आईपैड। अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके आईपैड या फिर आपके टैबलेट में स्टाइलस या फिर एप्पल पेंसिल का सपोर्ट जरूर हो, क्योंकि आप एप्पल पेंसिल या फिर स्टाइलस की मदद से आप डिजिटल आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके टाइम को ज्यादा कंज्यूम ना करने के लिए भी। और डिफरेंट टाइप्स की एक्सेसरीज अवेलेबल हैं आपके डिफरेंट तरीके के टैबलेट्स के लिए। आपके लिए वायरलेस कीबोर्ड भी अवेलेबल है और वायरलेस माउस भी अवेलेबल है, और डिफरेंट तरीके की एक्सेसरीज अवेलेबल है आपके टैबलेट के लिए या फिर आपके आईपैड के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है इस लिस्ट में, वो काफी ज्यादा क्रूशियल है किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए, जो कि है प्रोसेसर और रैम। अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल के आईपैड या फिर एंड्रॉइड टैबलेट को यूज कर रहे हैं, तो आपको प्रोसेसिंग पावर या रैम मैनेजमेंट की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें हाई ग्रेड प्रोसेसर और हाई ग्रेड रैम यूज की गई होती है, जो आपकी डेली लाइफ के वर्कलोड को इजीली संभाल सकती है और साथ ही साथ में आपको गेमिंग भी करा सकती है ऑन हाई ग्राफिक्स।
बट ये सेम केस बिल्कुल भी नहीं है किसी भी बजट टैबलेट के साथ में। आपको ये ध्यान में देना है कि किसी भी बजट टैबलेट में अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया हो और मिनिमम 4GB रैम का सपोर्ट हो किसी भी आईपैड या फिर एंड्रॉइड टैबलेट में। आईपैड के साथ अगर आप 3GB में जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आईपैड OS काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अपनी रैम मैनेजमेंट के लिए, पर सेम एंड्रॉइड के साथ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमारे बाइंग गाइड के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है बैटरी लाइफ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिवाइस के लॉन्ग रन यूसेज के लिए। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जो भी आप डिवाइस कंसीडर कर रहे हैं अपने लिए, उसमें मिनिमम 4-5,000 मिली एम पावर्स की लिथियम आयन की बैटरी का सपोर्ट जरूर हो। मेरे हिसाब से आप अपने टैबलेट को मिनिमम 4-5 आवर्स तो यूज करते ही होंगे डे लाइफ में, अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं। साथ में एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके टैबलेट के बॉक्स के अंदर एक फास्ट चार्जर इंक्लूडेड हो। ये एक एसेंशियल चीज है आज की डेट में, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को हमेशा प्लग इन करके ही चलाएं। इसलिए मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट बाय करें उसमें मिनिमम 18 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो हो। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारी लिस्ट के पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7। मैं मानता हूँ कि ये टैबलेट स्टूडेंट्स को माइंडसेट में रखकर ही डिजाइन किया गया है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मीडियम टू लार्ज 10.4 इंचेस का फुल HD पैनल। जी हाँ, ये आता है अराउंड 2000x1200 रेजोल्यूशन के साथ में। फुल HD प्लस का पैनल है ये। जो प्रोसेसिंग यूनिट इस टैबलेट में यूज की गई है वो काफी ज्यादा एवरेज है। मैं नहीं मानता कि वो आपको अच्छी गेमिंग करा पाएगा। वो आपके डेली के टास्क को कम्प्लीट तो करा सकता है, पर आपको अच्छी गेमिंग नहीं करा पाएगा। बात की जाए इस टैबलेट के इनबिल्ट स्टोरेज की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 32GB का सपोर्ट। 32GB मैं मानता हूँ कि आपके लिए काफी ज्यादा सफिशियंट नहीं है, इसलिए सैमसंग ने इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया है। आप इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 1TB तक विद द हेल्प ऑफ माइक्रो SD कार्ड। ये जो प्राइसिंग है वो अराउंड 21,000 तक की है, तो मैं मानता हूँ 21,000 के बजट में एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये टैबलेट डिजिटल क्रिएटर्स या फिर प्रोफेशनल्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर टैबलेट स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल चॉइस रहेगी। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं और आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए परफेक्ट टैबलेट, तो जो हमारे लिस्ट का सेकंड प्रोडक्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके नीड्स को पूरा भी कर सकता है। वो है 2020 iPad विद A12 बायोनिक चिप। A12 बायोनिक चिप इस्तेमाल की गई थी एप्पल के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, जैसे कि iPhone XS, iPhone XS Max। इन फोन्स के अंदर आपको A12 बायोनिक चिप का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि A12 बायोनिक चिप कितनी ज्यादा पावरफुल चिप है किसी भी डिवाइस के अंदर। A12 बायोनिक चिप में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई भी हिकअप देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ में ये आपको मल्टीटास्किंग में काफी ज्यादा फ्लूइड एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा। एप्पल क्लेम करती है कि इस आईपैड के साथ में आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से आपको इसमें सिर्फ 6-8 आवर्स का बैटरी बैकअप ही देखने को मिलेगा। एक काफी ज्यादा अच्छा फीचर देखने को मिला है इस आईपैड में, जो कि है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप फिंगरप्रिंट से भी अपने आईपैड को सिक्योर कर सकते हैं। और ये आईपैड रन करता है आईपैड OS 15 पर, जो कि लेटेस्ट है इस टाइम पर। बात की जाए इस आईपैड की प्राइसिंग की, तो ये कॉस्ट करता है अराउंड 30,000 तक, तो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट चॉइस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। और आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहां से आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट के तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो टैब P11 प्रो। इस टैबलेट की जो सबसे खासियत है वो मैं मानता हूँ इसकी डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले जो है वो 11.5 इंच का OLED पैनल। OLED पैनल की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर होती है किसी और डिस्प्ले के पैनल से। इसमें आपको इंकी ब्लैक्स का या डीप ब्लैक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी लगता है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है आंखों को विजुअली। इस टैबलेट में आपको देखने को मिल जाएगा 6GB रैम का सपोर्ट, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी मल्टीटास्किंग में और गेमिंग में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा 6GB रैम का सपोर्ट। और इसकी जो इनबिल्ट स्टोरेज है वो अराउंड 128GB है, जो कि काफी ज्यादा सफिशियंट रहेगी आपके डेली टास्क के लिए और आपकी गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए भी। ये आता है एक मिड रेंज प्रोसेसर के साथ में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, जो कि मैं मानता हूँ आपको डिसेंट लेवल की गेमिंग करा देगा। हाई लेवल की गेमिंग तो नहीं करा सकता, पर डिसेंट लेवल की गेमिंग जरूर करा देगा।
इसके साथ में एक आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा इसके फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। आप इस टैबलेट को सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट सेंसर। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा Lenovo की तरफ से। Lenovo के इस टैबलेट की जो आपको प्राइसिंग पड़ेगी वो अराउंड 45,000 रुपीज होगी। जो इस लिस्ट में आगे मैं प्रोडक्ट आपको बताऊंगा वो डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो अगला प्रोडक्ट आता है वो आता है एप्पल की तरफ से, एप्पल का iPad Air 2020 विद 814 बायोनिक चिप। बात की जाए इस iPad के प्रोसेसर की तो वो आता है एप्पल का A14 बायोनिक चिप। तो मैं मानता हूं कि एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर यूज किया गया है इस iPad में, और जो कि काफी ज्यादा मदद करेगा आप लोगों की आपके गेम्स को रन करने में स्मूथली एट हाईएस्ट सेटिंग्स, और ये आपके डेली टास्क को कंप्लीट कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के। बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा लिक्विड रेटिना डिस्प्ले ऑफ 10.9 इंचेस। काफी अच्छी डिस्प्ले साइज दी है एप्पल ने इस पर्टिकुलर iPad के साथ में, जो कि आपको काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा, और लिक्विड रेटिना डिस्प्ले ही यूज की जाती है iPhones में भी, तो क्वालिटी आप सेम टू सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इस iPad के साथ में। फॉर ऑल द डिजिटल क्रिएटर्स और स्केचर्स आपको इसमें एप्पल पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, आपको इसमें एप्पल की एक्सेसरीज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसी कोई भी एक्सेसरी नहीं है जो एप्पल की तरफ से आई हो और इसको सपोर्ट ना करती हो, हर एक्सेसरी का सपोर्ट आपको इस iPad में देखने को मिल जाएगा। और जो इस iPad की आपका प्राइसिंग पड़ेगी वो अराउंड 70,000 के आसपास ही रहेगी। जो हमारी लिस्ट का आखिरी प्रोडक्ट है वो आता है एप्पल की तरफ से एप्पल iPad Pro विद M1 चिप। जो इस iPad की सबसे ज्यादा खासियत है वो अगेन इसका प्रोसेसर ही है, पर इस बात को ध्यान में रखिएगा जो प्रोसेसर इसमें यूज किया है वो प्रोसेसर किसी फोन में यूज नहीं किया गया, वो सेम प्रोसेसर एक फुल फ्लेज्ड लैपटॉप में भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है आज के टाइम पे। वो वही सेम ग्रेड का प्रोसेसर ही आपको इस iPad में देखने को मिल जाएगा, जो कि है एप्पल का M1 चिप। एप्पल क्लेम करती है कि इसमें आपको फुल डे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, वो आपकी यूसेज के हिसाब से होगा कि आपकी बैटरी कितने लंबे टाइम तक रन करेगी, वो मोस्टली अराउंड 6 to 8 आवर्स तक ही रन करेगी। बात की जाए इसके अंदर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको फेस आईडी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, सेम फेस आईडी जो आप अपने iPhones में देखते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट जनरेशन की एप्पल पेंसिल का सपोर्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एप्पल इस पर्टिकुलर iPad के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज भी डिजाइन किए ताकि वो यूजर एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा अच्छा बना सके और काफी ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सके फाइनल कंज्यूमर्स को। बात की जाए इस iPad की प्राइसिंग की, तो सबसे ज्यादा कॉस्टली कोई iPad होगा तो यही iPad होगा। इस iPad की प्राइसिंग स्टार्ट होती है अराउंड 1 लाख रुपीज से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इस लिस्ट में काफी ज्यादा अच्छा लगे और आप उसे बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर आप जा सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं और आप वहां से और भी ज्यादा नॉलेज पा सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।